आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं लगातार सभी जनप्रतिनिधि सभी प्रत्याशी जो है कांग्रेस और बीजेपी के विधानसभाओं में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और धुआंधार जनसंपर्क सभी प्रत्याशियों के जारी है। ऐसे में आज भी जो है जो कि मल्हारगढ़ से प्रत्याशी है बीजेपी के जगदीश देवड़ा, वे कई गाँवों में जा रहे हैं और लगातार मुद्दों को लेकर जो है ग्रामीणों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वहाँ के मुद्दों को जान रहे हैं और साथ ही जनसंपर्क में जो भी आगे मुद्दे होने वाले हैं उन सभी को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और अपने काफिले के साथ वे घर घर पहुंच रहे हैं। बात की जाए तो हमारे एडिटर नवीन जी पाटीदार इस वक्त जगदीश देवड़ा के जनसंपर्क में लगातार अपडेट रख रहे हैं। अब जानेंगे उनसे आगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी। जी नवीन जी बताएं क्या अपडेट है फिलहाल। महेंद्र, अगर बात की जाए तो ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो हमलावर है, जिस तरीके से लगातार जो घेरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से करप्शन का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, तो जिस तरीके से लगातार हमला जो भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है, प्रत्याशियों पर हो रहा है, उसे लेकर ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और अगर बात की जाए मल्हारगढ़ विधानसभा सीट की बात किया, यहाँ से शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं जगदीश देवड़ा पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, फिर उनको मैदान में उतारा, तो इस वक्त उनके साथ हम जनसंपर्क में लगातार उनके जनसंपर्क को कवर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो है जनसंपर्क में समर्थन जनता का मिल रहा है, ग्रामीणों का मिल रहा है। साथ ही अगर बात करें तो हम लगातार उनके दौरे को देख रहे हैं, तो जिस तरीके से दिवाली का एक माहौल होता है, जिस तरीके से पटाखे फूटते हैं, उनके जनसंपर्क में जो ग्रामीण है, जो उनके समर्थक है, लगातार आतुर है और जिस तरीके से अपने जन नेता के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और स्वागत का दौर जिस तरीके से उनका चल रहा है, हम पहले भी एक अपडेट दे चुके हैं और वापस इस वक्त हम एक गांव में खड़े हैं जहां पर लगातार जो यहां पर स्वागत के लिए तस्वीरें मैं बताऊंगा किस तरीके से लोग यहां खड़े हैं, जिस तरीके से युवा हैं और आगे भी कई भीड़ है जहां पर लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आतुर हैं जगदीश देवड़ा के स्वागत के लिए। जी और नवीन जी, किस तरह का समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है और क्या क्या मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं? मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे मैंने आपको बताया, जिस तरीके किसानों का एक मुद्दा है, जिस तरीके से जो है भाव को लेकर नाराज है, साथ ही अगर बात करें तो डोरा चूरा का एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही अगर बात करें तो जो लाइट का एक मुद्दा है कि किसानों को रात में लाइटें मिल रही है, जबकि मध्यप्रदेश में कहा जाता है कि किसानों को 24 घंटे लाइट मिलती है, लेकिन जिस तरीके से लाइट का एक मुद्दा है, साथ ही उपज के दामों को लेकर एक मुद्दा, जब किसान के खेत में उपज रहती है तो उसके दाम आसमान पे रहते हैं और जब वो मंडी में जाती है वो उपज, तो उसके भाव एकदम गिर जाते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा। साथ ही बात करें तो और भी जिस तरीके भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा जो इस कांग्रेस लगातार बुना रही है, जिसमें जिस तरीके से बात करें राजेश जुबाक की बात की जाए, पटवारियों की बात की जाए, जिस तरीके बिना लेने देने कोई काम नहीं होता, तो ये तमाम जो मुद्दे जमीन पर है उसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती तो है। जी तो जिस तरह से आपने जाना कि मल्हारगढ़ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है जगदीश देवड़ा, वे लगातार अपने काफिले के साथ गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और ये जो मुद्दे निकलकर सामने आए जो नवीन जी ने आपको बताए, इन सभी मुद्दों को लेकर वे जनसंपर्क कर रहे हैं और एक लगातार उनका दौरा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।